एंड सी हमारे पास 12 एचपी की 3 फेज की इंडक्शन मोटर, इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। और हम इसकी कोर की लेंथ की बात करें तो इसकी कोर की लेंथ है 6 इंच 1 सूत यानी कि 15 सेंटीमीटर, और इसका जो डाया है कोर का वो 6 इंच 3 सूत यानी कि 16 सेंटीमीटर है। और इसकी स्लोटों की जो संख्या है वो 48 स्लोट की है, मोटर है 48 स्लोट्स। और ये जो मोटर है वो जर्मन मोटर है, मेड इन जर्मनी। तो इसके अंदर हमने 7 नंबर का ओरिजिनल न्यूमैक्स पेपर लगाया है। जो फाइल का साइज रहेगा वो 8x12 रहेगा। और इसकी जो हम बाइंडिंग करेंगे वो 18.5 नंबर के 2 तार और 19 नंबर का 1 तार यानी कि टोटल हम 3 तार से इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। तो पहला हम इसकी कॉइल बना लेते हैं फटाफट। तो साइज़ को हमने यहाँ पर सेट कर दिया और ये रहे हमारे 3 तार जो कि 18.5 के 2 तार हैं और 19 नंबर का 1 तार है। 3 तार से हम इसकी रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तार पहले से हम कहीं पर भी फंसा देंगे। बीच में ये जो हमने लगाया लोहे की इसलिए लगाया जब हम कॉइल बनाएंगे तो कॉइल सुपड़े में, तो इसके बाद हम कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। सेट है बराबर साइज की सेट नहीं है, 8x12 इंच है। तो ये हमारी कॉइल फिक्स आ चुकी है। तो एक कॉइल हमारी पड़ रही है, एक दोबारा से काउंट कर लेंगे। एक कॉइल डालने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 से 8 पर बीच में 6 सिलोटें खाली है। दूसरी कॉइल उठाई है, ये जो सीरीज है ये पहला सिला ये है, दूसरा सिला ये है। अब ये दोबारा से इस साइड को हमारी सीरीज आएगी ऐसे, ठीक है, हर बार ऐसे। अगर ये सीरीज पलट गई उधर की उधर ही रह गई तो फिर मोटर नहीं चल पाएगी। हर बार जब हमने ये पहली सीरीज इस सिरा इधर लिया है तो इस कॉइल का दूसरा सिरा हर बार
अब जो हम डालेंगे इसका भी उतना रहेगा, तीसरी वाली का भी उतना ही रहेगा। इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद इस वाली कॉइल का इसके बगल में देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही आराम से पड़ रही है, पेपर लगा देते हैं। और इसकी एक कॉइल का जो वेट है वो 700 ग्राम है, एक कॉइल का वेट। 12 कॉइल्स पड़ेंगे टोटल, लगभग इसमें 8.5 किलो के आसपास टोटल कॉपर लग जाएगा। तो इसका दूसरा सिरा यहीं से 10 फीट पर डालेंगे, जो कि इसके बगल में यहाँ पर आएगी। दो बार इसका राउंड लेंगे, बीच वाले को उठाएंगे, ये वाला जो है इसको अंदर डालेंगे और इसी में ये वाला पहला जरा outer side,